कभी कभो कुछ ऐसा सिला देता है अब्दुल करीम बाबा मुझे, अब्दुल करीम बाबा मुझे घर में दिला दे। उन्हें भी चाहिए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकाह करना मेरा तरीका है, निकाह मेरी सुन्नत है, मेरा तरीका है। और जो इस सुन्नत की हैसियत रखते हुए भी, इसकी इस्तेताअत रखते हुए भी अगर वो इस सुन्नत को अदा नहीं करता है तो वो मेरे आका फरमाते हम में से नहीं है। तो गोया कि एक तरह की एक इबादत है अज़दवाजी जिंदगी, गोया की एक तरह की इबादत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद फरमाते हैं कि जितनी भी हमारी कोशिश हो, ये जितना आसान हो इतना अच्छा है। तो निकाह को आसान किया जाए, समाज में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, और वो कदम आपने उठाया है, बड़े तारीफ के लायक हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा होना चाहिए। हर गांव में जहां नहीं होता है वहां भी हो तो बहुत बेहतर होगा। तो जितने लोगों ने इस काम में हिस्सा लिया है बहुत अच्छा काम किया है। नहाना था तुम्हारा एक बहाना, ये हकीकत थी। नहाना था तुम्हारा एक बहाना, ये हकीकत थी। अपना गोश्त मछली को खिलाना अब्दुल करीम बाबा, अपना गोश्त मछली को खिलाना अब्दुल करीम बाबा, गोश्त मछली को खिलाना चाहे अब्दुल करीम बाबा, अब्दुल करीम। नहाना था तुम्हारा एक बहाना, ये हकीकत थी। एक बहाना ये। आज के प्रोग्राम की इब्तिदा शहंशाह नेमार मजरूब शाह अब्दुल करीम बाबा रहमतुल्लाह अलैह के जरिए ये हमने निकाह योजना की जो स्कीम डाली है, ये पहला हमारा प्रोग्राम है और फी सबीलिल्लाह प्रोग्राम किया है, निःशुल्क, जिसमें कोई शुल्क नहीं लिया है ना लड़की लड़के वालों से। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम आइंदा आने वाले सालों में, आज चार है तो 40 भी हो सकते हो, 40 भी होंगे तो फी सबीलिल्लाह करेंगे। आज चादर शरीफ निकलेगी, उसके बाद लंगर तकसीम होगा, उसके बाद कल जो 11 तारीख है, परसों 11 तारीख के अंदर कव्वाली का और प्रोग्राम का समापन होगा।